हेलो दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो है बिल्कुल ही सिंपल बिल्कुल ही सिंपल बिल्कुल ही सिंपल है। दोस्तों आप देख रहे हैं गूंज टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ गूंज मान। चले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों मैं आगे अपने मोबाइल स्क्रीन में, दोस्तों अगर आपके फ़ोन में काइन मास्टर नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं प्लस के आइकन पे, 9.16 ले लेंगे। इसके बाद आपने मीडिया में जाना है, मीडिया में जाने के बाद जो अपने फ़ोटो है वो आपने सेलेक्ट करने हैं। दोस्तों मैं अब क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी अपनी फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने भी कुछ इस तरह के फ़ोटो अपने जो है वो सेलेक्ट कर लेने हैं। कोई भी जो पांच फ़ोटो आपने वो सेलेक्ट करने दोस्तों, ध्यान रखें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके, इसके बाद आपने क्या करना हो, यहाँ क्लिक करना होगा, ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएगा आपके सामने, काफ़ी सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएंगे। अगर आई नहीं दे रहे आपके फ़ोन में तो आपने क्या करना हो, गेट मोर पे जाना है, यहाँ से आपने ट्रांजिशन इफेक्ट जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ ट्रांजिशन इफेक्ट डाल देता हूँ। आप सब में क्या करना, अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही ट्रांजिशन इफेक्ट डाल दूँगा, सभी में अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो डाल दूँगा। डालने के बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और इस वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेकंड ऑप्शन, फिर सेकंड ऑप्शन, ये आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, यहाँ से ओके। इसके बाद फिर वीडियो को सेलेक्ट करना है, इसके बाद क्रोमा की में जाना आपने, यहाँ से इसे इनेबल कर देना। ध्यान रखें की कलर ब्लू होना चाहिए, यहाँ से ओके और आपकी जो वीडियो है दोस्तों वो रेडी हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ कमी लग रही है, आपने क्या करना है, इस वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ क्रोमा की में यहाँ तक 50-50 रख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ओके, अब आपकी जो वीडियो वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर यहाँ तक आपका पूरा नहीं आ रहा तो इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना, इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा देना, सभी फ़ोटो की, जिस फ़ोटो की छोटी छोटी लेंथ हो उसे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ाने के बाद आपकी बिल्कुल यहाँ तक सेम हो जाएगी। और इसे सेव करने के लिए शेयर के ऑप्शन में जाना, 1080x30 में एक्सपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपने ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।